टोन वुडली और उन्होंने एक टैटू बनवा लिया है जेक पॉल का ना दोस्तों ये बहुत ही आ, अजीब बात है कि एक फॉर्मर्ड यू एस चैम्पियन एक फॉर्मर्ड चैम्पियन जिसने हराया है स्टीवन थॉम्सन को जिसने हराया है रॉबी लॉलर को बेल्ट के लिए राइट right? वो आज इस पॉइंट पे पहुंच गया है कि वो अपने हाथ पे या अपनी उंगली पे टैटू बनवा रहा है जस्ट टू गेट अ फाइट अगेंस्ट ए यूट्यूबर सो अगर ये रियल टैटू है जो कि लोग कह रहे हैं ये रियल टैटू है और लोग कह रहे हैं कि शायद ये जो आई और जेक पॉल है वो रियल है जो लव है वो फेक है वो सिर्फ पेंसिल लिखा गया है वट एवर इट इज और वो कर रहे हैं इसलिए बिकॉज ही वॉन्ट्स ए री मैच ही वांट्स ए री मैच अगेंस्ट जेक पॉल जो कि नहीं होगा जो कि नहीं होगा मोस्ट <laughs> प्रॉब्ली नहीं होगा मे बी पॉसिबल है बट आई डोंट थिंक फाइट वो होगी सो so, और अगर ये वो ऐसा वो करते जल्दी कर पाते फाइट से कुछ दिनों बाद ये मे भी सेम डे तब शायद चांस था कि हाँ टटू बन गया है नौ दिन मैच बट फाइट से इतने दिनों बाद यू you नो know, वेट करने के बाद टड्यू बनवाना आई I मीन mean, क्या लॉजिक है इसका मुझे समझ नहीं आया क्या इसका तुक बनता है आर ए यू एफ सी चैम्पियन यार कम ऑन सो ओवरऑल नॉट ए गुड थिंग फॉर फॉर टेन वुडली लोग उन, उनको पहले से पसंद नहीं करते थे जब वो चैम थे और अब तो उन्हें आई मीन कम ऑन आई मीन बहुत ही एक एक बहुत ही अजीब टाइम है टू बी एम एम ए, ए फैन फ्रेंकली निक डिया फाइट कर रहे हैं राइट टैरन वुडली टैटू बनवा रहे हैं कॉर्नर का पैर टूट गया है कितना कितना एक अजीब टाइम है मैं कई बार ही सोचता हूँ जब मैं होता हूँ मतलब फ्री बिल्कुल रिलैक्स माइंड में कि सच ए क्रेजी टाइम मतलब अगर आप देखें ओवरऑल हमारे पास एक ऐसी बीमारी है जो कि पिछले दो साल से चल रही है लोग घर से बाहर नहीं निकल नहीं पा रहे कितनी अजीब बात है और फिर अगर देखें इन एम ए आपके पास दे गाय, गए हुआ ज यूट्यूबर अब वो फाइट कर रहा है और वो हरा रहा है एक्स यू सी चैम्पियंस को और यहाँ पे निगडियाज हैं वो वापस फाइट कर रहे हैं आई मीन समाइम्स आई फील की कितना कितना क्रेजी बात है कि क्या हो रहा है आजकल नॉट जस्ट हमारी लाइफ के अंदर बट इन एम एम ए इन फाइट वर्ल्ड इन जर्नल कुछ दिनों पहले फाइट कर रहे थे इवेंटर होली फील्ड आई मीन सो क्रेजी और आई फील कि हम इस इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं अब एज ए एम एम ए फैन और आई थिंक एज ए पर्सन कि कुछ भी लाइफ में हमें अब अजीब नहीं लगेगा राइट right? मान लीजिए अगर हम बात करते आज से ढाई साल पहले ये एक ऐसी आएगी एक ऐसा वायरस आएगा जिससे आप लोग सब लोग घर पे बैठेंगे बाहर नहीं जाएंगे कौन ये बात मानता ये अगर मैं आपको बोलता से से दो साल पहले या एक साल पहले कि हमारे पास जेक पॉल आएंगे ही इज़ अ यूट्यूबर एंड ही विल फाइट यू फाइटर्स एक्स यू फाइटर्स लाइक वट आर यू टॉकिंग बट ये हो रहा है ये हो रहा है माइक टेसन ने भी फाइट की थी कुछ दिनों पे, दिनों पहले इवन टू होलीफीड ने भी फाइट की थी क्रेजी टाइम दोस्तों तो <laughs> दोस्तों बट या दिस इज क्रेजी और अगर बात करें जो और चीजें क्रेजी हैं वो हैं जॉन जॉन्स अरे <laughs> <laughs> और देखिए मेरा जो ये है सॉफ्टवेयर ये भी क्रेजी हो गया है